दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये खबर हमने द हिंदू से ली है और खबर है, चीन ने अपनी चौथी कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। चीन ने इमरजेंसी यूज के लिए अपनी चौथी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह एक प्रकार की प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इस वैक्सीन को अनहुई जिफी लॉन्गकॉम बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के प्रमुख गाओ फू ने इस वैक्सीन के डेवलपमेंट का नेतृत्व संभाला। बीते साल अक्टूबर माह में इस वैक्सीन के चरण एक और चरण दो के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हो चुके थे। वर्तमान में उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में ट्रायल्स का अंतिम चरण चल रहा है। 1 मार्च को उज्बेकिस्तान में उपयोग के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन अन्य कई वैक्सीन के समान है जिन्हें वैश्विक स्तर पर मंजूरी मिली है। सब यूनिट वैक्सीन को असेल्युलर वैक्सीन भी कहा जाता है। सभी सब यूनिट वैक्सीन्स बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके बनाई जाती हैं।